Okay, so the next example. What is said here? A particle of mass 2 kg moving along a circular path of radius 40 meter with a constant speed of 5 meter per second. Find the angular momentum of particle about center. So, अब ये revolving particle है. तो देखिए, अगर ये इस तरह से particle जो है revolve हो रहा है. Let us suppose कि ये particle revolve हो रहा है like this. Anti-clockwise sense में. ओके या फिर ऐसे बता सकते हैं आप लाइक दिस. सो इट इज रिवॉल्विंग इन दिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस. तो अब किसी भी मोमेंट पे पार्टिकल का कोई भी पोजीशन रहा तो वेलोसिटी कहाँ रहेगी? अलोंग द टेंजेंट. और हमको पूछा एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर. तो सेंटर से पार्टिकल के वेलोसिटी के लाइन ऑफ एक्शन का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट पता है. That is radius, because radians and tangent are always perpendicular to each other. So it is quite simple. अगर mass m का particle v velocity से circular motion में move हो रहा है, जिसका radius r है, so v and r are perpendicular. So angular momentum about center का magnitude रहेगा mv r perpendicular. So angular momentum, where r perpendicular radius ही हो जाता है, इसलिए mv r. तो circular motion के लिए आप इसको direct use कर सकते हो. Angular momentum of particle moving in a circle कितना रहेगा? MVR, quite simple. So M, अब particle का mass कितना दिया है हमको? तो यहाँ पे बोला है question में 2 kg into speed कितनी है 5 meter per second और perpendicular distance यानी कि radius कितना है 80. तो ये हो जाएगा, 400 kg meter square per second and that is the angular momentum of particle about center. अब फिर से direction कैसे पता करने का? तो circular motion में जैसा भी सेंस ऑफ रेवोल्यूशन है या रोटेशन है, राइट हैंड थंब रूल, आपके कर्ल फिंगर आप सेंस ऑफ रेवोल्यूशन से मैच करो. मैच किया तो ऑटोमेटिक थंब किसका डायरेक्शन देगा? एंगुलर मोमेंटम का. सारे एंगुलर क्वांटिटीज एक्सियल वेक्टर्स होते हैं. यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? ऊपर. सिमिलरली अगर मैं ये सर्कुलर मोशन पकड़ूँ तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? सो ऑब्वियसली ये इधर की तरफ आएगा. देखिए आप राइट हैंड रूल लगा के, कर्ल फिंगर अगर ये डायरेक्शन बता रहे हैं, अगर कर्ल फिंगर ये डायरेक्शन बता रहे हैं तो थंब का डायरेक्शन कहाँ रहेगा? मेरी तरफ आएगा, बाहर आपकी तरफ ऐसे. तो ये एल बार हो गया डायरेक्शन एंड दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल. अगले इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन वाले का करेंगे हम. थैंक यू.